हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अखिलेश और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में एक नई राइड के साथ। अभी बज रहे सुबह के 11 और मैं जा रहा हूँ सुपौल। सुपौल में कुछ काम है, कोर्ट में एफिडेविट बनवाना है, इसी के लिए जा रहा हूँ। और अभी मैं हूँ जदिया में और यहाँ से हम ले रहे हैं राइट त्रिवेणीगंज की ओर। और त्रिवेणीगंज से पिपरा, उसके बाद फिर सुपौल के लिए जाएंगे। और इस समय देखिए कुहासा कितना ज्यादा लग रहा है इस समय। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, मुझे नींद न आए मैं क्या करूं। हो अभी फॉग देखिए कितनी ज़्यादा फॉग हो रखी है, यानी कि मुश्किल से 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी है इस समय। और ये इंडिकेशन है कि ठंड पूरी तरह से आ चुका है और हवाएं भी काफ़ी ठंडी चल रही है। और वैसे भी बाइक पे ठंड तो आपको ज़्यादा लगेगी अगर आप पूरी तरह से ड्रेसअप में नहीं हो तो। देखिए सामने से जो गाड़ी आ रही है, देखिए वो दिखाई नहीं दे रही है कि सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है, तो मेक श्योर कि इस समय ना हेडलाइट यूज़ करनी चाहिए। तो अभी हम हैं त्रिवेणीगंज के रास्ते में, वहाँ से जाएंगे पिपरा और उसके बाद सुपौल के लिए रूट ले लेंगे। सुपौल में देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पहला काम तो हमें सुपौल कोर्ट में है जहाँ पर मुझे एफिडेविट बनवाना है, और उसके बाद उस एफिडेविट को लेके जाना है और जन्म प्रमाण पत्र जहाँ से बनता है वहाँ पे कुछ सुधार करवाना है, उसी के लिए जाना है। तो चलते हैं सुपौल की ओर। अभी देखिए एक तो कुहासा है, उसके बाद काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। इस समय रोज़ सुबह के 11:10 और आगे है लक्ष्मणिया। फ्यूल भी नहीं है, तो फ्यूल हम लेंगे त्रिवेणीगंज में रेफरल अस्पताल के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे। तब तक आप ये म्यूजिक एंजॉय कीजिए। फिर कब मिलोगे, रंग है सोना रूप है चांदी आंखें हैं नीलम, कितना हसीन चेहरा पे तो कर ले यकीन आपस जाने बाहर। दुनिया में हंसी और भी है, आ कहीं दूर चले जा। अभी हम गुजरे डफरखा बाजार से और ये क्रॉस करते ही त्रिवेणीगंज स्टार्ट होता है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है डफरखा और त्रिवेणीगंज मार्केट में। कहीं आग लगने से पहले। तो अब हमें त्रिवेणीगंज मार्केट में और लग रही है ठंड, तो सोच रहे हैं कि जाके पहले चाय पी लें। और यहाँ पे कृष्णा स्वीट्स की चाय काफ़ी फेमस है और जब भी मौका मिलता है वहाँ की चाय ज़रूर हम लोग पीते हैं। तो अभी मौका भी बढ़िया है तो चलते हैं वहाँ पे, पीते हैं 2 कप चाय और उसके बाद निकलेंगे सुपौल के लिए। और उधर से अमित भी आ रहा है, नवट्टा शाहपुर से अमित भी आ रहा है, तो उसे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ से वो आएगा शाहपुर से वहाँ से उसकी दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर है। फिर मुझे यहाँ से पिपरा 11 और पिपरा से सुपौल 21 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और जाना है हमें, और आ चुके हैं अभी 11 किलोमीटर। तो ये रहा त्रिवेणीगंज का मार्केट। मेरे राइट हैंड साइड पे है त्रिवेणीगंज का बस स्टैंड और आगे लेफ्ट हैंड साइड पे है कृष्णा स्वीट्स की चाय की दुकान।
चहल पहल धीरे धीरे शुरू हो रही है, क्योंकि 11 वैसे टाइम तो अभी 11:19 हो रहे हैं और ठंड की वजह से अभी भीड़ भाड़ कम लग रही है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है कृष्णा स्वीट्स की चाय की दुकान, और भीड़ देखिए यहाँ पे, चल के यहाँ पे पीते हैं चाय। तो चाय पी के निकलते हैं सुपौल के लिए, तो मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे हमने पी ली चाय, अब जाके कुछ राहत महसूस हो रही है और अब निकल रहे हैं सुपौल के लिए। और यहाँ पे देखिए त्रिवेणीगंज में ये जाम की स्थिति हरदम बनी रहती है, चाहे भीड़ हो या ना हो, और ये होता है सिर्फ गलत जगह गाड़ियों को पार्क करने की वजह से या रॉन्ग साइड लेने की वजह से, और यही मेन रीज़न है कि हर जगह जाम लगता है। अब यहाँ पे बाइक सबको देखिए कहाँ पे, एक तो रोड कंजस्टेड है, दुकानें ज़्यादा है और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं भी पार्क करने की वजह से जाम लगता है। अभी फिर भी उतनी जाम तो यहाँ पे है नहीं, अभी तो खाली सा लग रहा है। आगे चल के लेना है हमें फ्यूल, तो पहले चलते हैं पेट्रोल पंप पे। देखिए विदाउट इंडिकेटर राइट टर्न ले लिया, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड पे है त्रिवेणीगंज का ब्लॉक, आधार कार्ड सेंटर और कोर्ट सारा यहीं पे है। बिजली ऑफिस ये रहा मेरे दाहिने साइड में। और ये एक मिनी मॉल है यहाँ पे, ये फैमिली मार्ट, ठीक ही है, सस्ता सामान यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ठीक ठाक है। देखिए इंडिकेटर तुरंत दिया, तुरंत टर्न कर लिया। और हमें लेना है राइट, आगे है पेट्रोल पंप पे, आगे है पेट्रोल पंप, तो पहले फ्यूल ले लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पे पहले से भीड़ दिख रही है, चल के लेते हैं। क्या हुआ? वहाँ पे खतरा कर दिए ना स्कैन, सुनिए ना थोड़ा कर लीजिए ना। तो हमने यहाँ से करा लिया फ्यूल अप और अब चलते सीधा पिपरा की ओर। जो तू होती जया भार, ये प्यार हो गया तो तेरे दिल के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं, ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, चोरी चोरी खेले दोनों आँख मिचोली, आजा 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 आ, दिल रुबा है किया मैंने ये, बाहों में तेरी प्यार के लम्हे गुजार, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, मैं तो
जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो जिंदगी। हमने तो इन आँखों में चेहरा अपना साची कहो हमसे, तुमको कितने हम सफल मेरी जब झील के पानी में तुमसे बिछड़ के ये दिल न रह पाएगा। अब सामने कुहासा देखिए कितना ज्यादा हो रखा है, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे कुहासा भी बढ़ता जा रहा है। अभी उधर दिन के 12:45 11:41 हो रहे हैं सुबह के, और मौसम देखिए अभी, और अभी हम गुजर रहे हैं भोड़ा से। देखिए भाई साहब को देखा आपने, सडनली सामने से काहे कोई भी आ जाएगा स्पेशली टर्न पे। तो अब हमारी एंट्री हो चुके हैं पिपरा बाजार पे, और आगे जस्ट थोड़ी दूर के बाद शुरू हो जाता है पिपरा का मार्केट। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं पिपरा बाजार का, सिमराही और NH57 जाने के लिए आगे जो कट है वहाँ से लेना होता है राइट, वो आपको सीधा 4 लेन पे मिला देगी सिमराही के पास। लेकिन हमें जाना है लेफ्ट लेके सीधा पिपरा की ओर। और ये देखिए पिपरा का जो फेमस है खाजा, खाजा यहाँ पे सारी मिठाई की दुकान पे आपको खाजा कॉमन है। और यहाँ पे बोर्ड देखिए सुपौल के लिए लेफ्ट लेके राइट, बीरपुर के लिए राइट, जो सिमराही और मधेपुरा के लिए लेफ्ट सीधे। तो हमें लेफ्ट लेके फिर लेने हैं राइट, और इधर जो राइट को आप रास्ता देख रहे हैं ये आपको NH सिमराही बीरपुर की तरफ ले जाएगी। तो ये रास्ता अगर आप सीधे जाते हैं तो सिंहेश्वर मधेपुरा सहरसा, और यहाँ से अगर हम ले लेते हैं राइट, ये जो आप सीधे रोड देख रहे हैं ये सिंहेश्वर मधेपुरा सहरसा, और राइट हमने ले लिया है सुपौल की तरफ, और यहाँ से सुपौल की दूरी है 21 किलोमीटर 21।